झारखंड में सियासी हलचल के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने आज यानी कि बुधवार को सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के ठिकाने पर रेड की है। जी हां, ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य में मुख्यमंत्री के कुछ करीबी सहयोगियों के घर में दबिश दी है। इनमें आईएएस और साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव राजस्थान और साहेबगंज खुदनिया ब्रदर्स साहेबगंज पूर्व विधायक पप्पू यादव भी शामिल हैं। सीएम के प्रेस सलाहकार के घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात है। प्रेस सलाहकार पिंटू के घर ईडी की टीम ने लॉकर तोड़ने वाले मिस्त्री को बुलाया है। जी हां, एक अहम जानकारी सामने आ रही है। प्रेस सलाहकार पिंटू के घर ईडी की टीम ने लॉकर तोड़ने वाले मिस्त्री को बुलाया है। अहम दस्तावेज और अन्य सामान लॉकर में होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर ईडी की टीम सीएम के करीबी विनोद सिंह और आर्किटेक्ट रोशन के रातू रोड के पिस्का मोड़ स्थित आवास पहुंचकर छापेमारी कर रही है। किसी को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। साथ ही डीएसपी राजेंद्र दुबे हजारीबाग और अन्य स्थान, साथ ही इसके साथ बता दें कि अभय सारवांगी जिस कोलकाता सिपाही अवधेश कुमार के घर भी छापेमारी हुई है। अभिषेक प्रसाद के आवास और साहेबगंज उपायुक्त के आवास समेत 12 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। राजधानी रांची में रेड अड़गोड़ा रातू रोड सहित कई इलाकों पर जारी है। आपको बता दें प्रवर्तन निदेशालय के इधर ईडी की रेड के विषय में कांग्रेस के वरिष्ठ और केंद्रीय नेता का कहना है कि यह एक प्रकार से राजनीतिक विद्वेष को प्रदर्शित करता है। झारखंड के मुख्यमंत्री से संबंधित लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। आप इसको क्या समझते हैं? ये रेड का कोई मतलब आप हो गया है इसलिए कि हेमंत सोरेन अपने टेक्निकल इश्यूज के आधार पे उनका संबंध को डिनाई कर रहा है तो उनके अगल बगल जितने लोग उनको परेशान करेंगे उनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। यही है तो ये तो राजनीतिक द्वेष का है रेड, कोई दूसरा रेड तो है नहीं। लॉकर तोड़ने अलमीरा खुल गया, अलमीरा तोड़ दिया। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।